दिया जा रहा है ना कुछ खाने पीने के लिए, कुछ पहुंचाने दिया जा रहा है। मैं इस पर आपसे मजीद बात करूंगी। एग्जैक्ट केस के हवाले से नाजरीन को आगाह कर दें कि जस्टिस चीफ जस्टिस आमिर फारूक कुछ देर के बाद इस केस की समाअत करेंगे और बताया जा रहा है कि बोल टीवी के शरीक चेयरमैन शेब शेख के वकील सरदार लतीफ खोसा इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच चुके हैं। एग्जैक्ट का केस है और चीफ जस्टिस आमिर फारूक कुछ देर के बाद इस केस की समाअत करेंगे। एग्जैक्ट केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बोल टीवी के शरीक चेयरमैन शेब शेख के वकील सरदार लतीफ खोसा इस वक्त इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। उसामा, शर्म की बात यह है कि तर्ज अमल एक ही है। पहले उनको जब मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों में जेलों में भेजा गया तो अगर कोई उन्हें खाना पहुंचाना चाहता है, मिलना चाहता है तो कदगन लगाई गई, रोका गया, मना किया गया और यही तर्ज अमल शेब शेख साहब के साथ है। उसामा, मैं आपसे फिर से कांटेक्ट करती हूँ, हमें आवाज़ सही से नहीं आ रही है। आई थिंक देयर इज समथिंग टेक्निकल रॉन्ग। अच्छा, इस वक्त हमें एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले अजहर साहब, ये 2016 का मुकदमा उठाकर इसको नया किया गया, एक बंदा इस नीयत से जा रहा है कि उसने पेश होना है, उसको अगवा